हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। द न्यूज़ इज़ बेसिकली एक पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल हैं, पीएचडी पोजीशंस इन्फेक्शन बायोलॉजी के एरिया में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में पीएचडी करने के लिए, तो यहाँ पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक में काफ़ी आपको मिल जाएंगी कहाँ पर। तो ये जो पीएचडी पोजीशंस हैं, ये रिसर्च ट्रेनिंग ग्रुप में हैं एंड ह्यूमन एंड माइक्रोब्स में है। सो इट इज़ ह्यूमन एंड माइक्रोब्स RTG 2771 फंडेड बाई DFG। सो बेसिकली ये जर्मनी का प्रोजेक्ट है जो कि 3 से 4 साल के लिए है, यानी 3 साल का इसमें आपको PhD का ऑप्शन है। इसके साथ इसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। आपको सैलरी मिलेगी इसमें 65% ऑफ E13 TVL बाई TVAVH, जो कि एक जर्मन सिविल सर्विस सैलरी का एक स्केल है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आती हूँ आपको कि ये क्या होता है। बट उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अभी वैकेंसी हैं। जैसे एक तो है आपका कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ट्रांसलोकोन एक्टिविटी एंड इम्यून रिकॉग्निशन। सो यू कैन सी ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इन मेडिसिन मार्टिन एप्फेल्बेचर। नाउ ये यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैम्बर्ग एपेंडॉर्फ में है, और विच इज़ इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी एंड हाइजीन। इनकी प्रोजेक्ट समरी आपको देके रखी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है इंटरप्ले बिटवीन अर्सीनिया एंट्रोकोलिटिया एंड ऑटोफेगोसोमल और लाइसोसोमल सिस्टम इन एपिथीलियल होस्ट सेल एंड ऑर्गेनॉइड्स। इसी तरीके से टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आए, आप उस हर प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, देखिए, एप्लीकेंट्स को चाहिए एक्सीलेंट साइंटिफिक डिग्री, यानी मास्टर्स डिग्री चाहिए, जो कि बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट में हो सकती है। वो हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी पीएचडी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड टेक्निक्स इन सेलुलर एंड मॉलिकुलर इन्फेक्शन बायोलॉजी। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए टेक्निक्स में, टॉपिक्स में। अगर आपने इनसे रिलेटेड कुछ काम किया हुआ है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। दूसरी बात, जो एप्लीकेशंस होंगे वो आपको एक PDF फाइल के फॉर्म में अटैच करने होंगे। इस ईमेल आईडी पर, ये ईमेल आईडी देके रखी है, इस ईमेल आईडी पर देना होगा। क्या क्या उसमें आपको फाइल बनानी है, आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट द लेटर ऑफ मोटिवेशन, किस तरीके से हम लिखेंगे वो आप मुझे बता दीजिएगा आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो, कि हम कैसे बनाएं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आपको इसमें क्या देना होगा, 3 इन 9 में से कोई 3 प्रोजेक्ट्स आपको चुनने होंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा लेटर ऑफ मोटिवेशन में। इसके अलावा आपको CV देना होगा। अगर आपको CV नहीं बनानी आती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला आता है सर्टिफिकेट्स, यानी कि अगर आपके जितने भी कोई भी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के क्वालिफिकेशंस होते हैं, BSc, MSc कोई भी हैं, उन सब के सर्टिफिकेट्स जो आप CV में डाल रहे हैं उनको देना होगा, उनकी कॉपी आपको लगानी होगी। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मास्टर थीसिस, जो भी मास्टर की थीसिस अगर आपने किया है, डिसर्टेशन किया है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट, उसकी एक समरी बना के देनी होगी 1 पेज की, जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वो कर सकते हैं। ये आपका इक्वालिटी है, मतलब मैन है या वुमेन है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी या बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपके जो जो भी लेडीज़ हैं या जो भी पर्सन है जिनके फैमिली कमिटमेंट्स हैं, यानी कि जो मैरिड पर्सन है, उनको और ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। सो इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अ वुमेन, यू विल बी एक्चुअली गेटिंग अ प्रेफरेंस। हैंडीकैप्ड एप्लीकेशन को भी प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर है, क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। सो बेसिकली आपका जैसा भी इंटरव्यू परफॉर्मेंस रहती है, आपके CV में क्या है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन की डेडलाइन 22 अगस्त है, यानी अभी आपके पास 3 दिन बाकी है, 19 अगस्त है आज, और आपको 22 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनको वर्चुअल सिलेक्शन सिम्पोजियम में इनवाइट किया जाएगा। वर्चुअल का मतलब टोटल आपके लैपटॉप से हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, एट द एंड ऑफ द अगस्त, यानी इसी मंथ के एंड में आपको एक सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना होगा।
आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको मेल कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे रखी है इसी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, या एक और ईमेल आईडी यहाँ पर दे के रखी है आप इसमें कर सकते हैं, या फिर एक और है, तीन आपको ईमेल आईडी दे के रखी है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका ग्रेड पे था वो क्या था, यानी 65% ऑफ दिस। तो 65% ऑफ दिस का क्या मतलब है, देखिए मैंने सर्च किया गूगल पे, तो ये जो आपका ये मुझे मिला है क्वेश्चन, व्हाट इज 65% ऑफ TVL 13 सैलरी इन जर्मनी, क्या होती है ये देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो लेवल होता है, दिस फिक्स टर्म पोस्ट इज द पार्ट ऑफ कोलेबोरेटरी रिसर्च सेंटर। सो बेसिकली एक फिक्स टर्म होती है, सब जनरली यूज किया जाता है PhD पोजिशंस के लिए इस लेवल को। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट वी कैन से 33,000 यूरो, 33,000 यूरोस पर ईयर, 33,000 पर ईयर, ये देखिए यहाँ पर बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले लगभग 33,000 पर ईयर आपकी सैलरी हो सकती है फॉर 3.5 और 3 ईयर्स। इसको मैंने कन्वर्ट करके आपके लिए बताया है, इस समय आज के रेट में जो रुपी का रेट है वो 80.35 इंडियन रुपी है। सो उसके अकॉर्डिंग 33,000 से आपको 26,51,658 रुपीज़ पर ईयर यू कैन गेन। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आप 2 लाख से ऊपर सैलरी पर मंथ गेन कर सकते हैं जर्मनी में रह के ड्यूरिंग योर PhD। सो ये आप कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस पोस्ट पर अप्लाई करिएगा। इसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।